violence, violence, violence. कुछ समय के लिए पायलट जो है वो यात्रियों के लिए उस भगवान की तरह हो जाता है जिस पर वो आंख मूंद कर अपना भरोसा करता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में और इस हफ्ते की रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती 2 और रनवे 34 के शुरुआती 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म पसंद आई। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म हीरोपंती 2 के बारे में तो हीरोपंती जिस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ का किया था, दूसरे दिन 5 करोड़ 50 लाख रुपए का, तीसरे दिन 5 करोड़ रुपए, वही चौथे दिन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए, वही पांचवें दिन ईद की वजह से फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ आई और फिल्म ने पांचवें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का किया। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के जो छठे दिन के कलेक्शन है वो फिर से एक बार ड्रॉप हो चुके हैं और ये फिल्म छठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों हीरोपंती 2 का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 24 करोड़ 20 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 28 करोड़ 30 लाख रुपए और इससे फिल्म ने टोटल कमाई की है 6 करोड़ 70 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों हीरोपंती 2 का शुरुआती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 35 करोड़ का। बता दो दोस्तों फिल्म का बजट है 90 करोड़ रुपए और जिस तरह से फिल्म ने 6 दिनों में कमाई की है उस हिसाब से हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की फिल्म रनवे 34 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों में बजट के हिसाब से एक अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। जी हां दोस्तों अगर बात की जाए रनवे 34 के डे वाइज कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी नेट कलेक्शन 4 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था, दूसरे दिन 5 करोड़ 70 लाख रुपए, वही तीसरे दिन 6 करोड़ 80 लाख रुपए, तो चौथे दिन 2 करोड़ 95 लाख रुपए, वही पांचवें दिन ईद होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ आया और रनवे 34 ने अपने पांचवें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया 3 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों ये फिल्म अपने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर एक ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी लेने में कामयाब रही, जिस हिसाब से रनवे 34 का छठे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का आ रहा है। यानी कि शुरुआती 6 दिनों में रनवे 34 का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 25 करोड़ 85 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 30 करोड़ 10 लाख रुपए और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेश से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 8 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों रनवे 34 का शुरुआती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 38 करोड़ 90 लाख रुपए का। बता दो दोस्तों अगर ये फिल्म एक हफ्ते और सही से चल गई तो रनवे 34 बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हो सकती है। वही दोस्तों बात करें रॉकिंग स्टार यश और संजू बाबा की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के अब तक के हिंदी कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर तीसरा हफ्ता खत्म होने में आ चुका है लेकिन यह फिल्म अभी भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती जा रही है। जी हां दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में सभी भाषाओं से तो शानदार कमाई की है लेकिन बात करें इस फिल्म के हिंदी नेट कलेक्शन की तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी नेट कलेक्शन किया था 268 करोड़ 63 लाख रुपए का, दूसरे हफ्ते में कमाए थे 80 करोड़ 18 लाख रुपए, वही तीसरे हफ्ते में एंट्री लेते ही फिल्म ने 16वें दिन हिंदी नेट कलेक्शन 4 करोड़ 25 लाख रुपए का किया था, 17वें दिन 7 करोड़ 25 लाख रुपए, वही 18वें दिन 9 करोड़ 27 लाख रुपए, तो 19वें दिन 3 करोड़ 95 लाख रुपए, वही 20वें दिन फिल्म की कमाई थी 8 करोड़ 50 लाख रुपए। लेकिन बात करें इस फिल्म के 21वें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 अपने 21वें दिन हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का शुरुआती 21 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन हो रहा है 385 करोड़ का।
का। बता दो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी मार्केट की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म ने बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। हालांकि केजीएफ चैप्टर 2 के एक कदम आगे है बाहुबली 2, जिसने हिंदी मार्केट से 511 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के जो हिंदी कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म के पांचों भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो शायद 2 बजे तक आएगी। उसके बाद इवनिंग में यानी कि शाम के समय मैं आपको केजीएफ चैप्टर 2 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसका वीडियो भी अलग से बना के बता दूंगा। तो अगर आप भी केजीएफ चैप्टर 2 के डेली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।